हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रेलवे गेम टैच। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम लेके आए हैं ट्रेन सिम्युलेटर डाउनलोड के ऊपर। तो ये 2024 के अंदर कुछ डाउनलोड या एड ऑन के अंदर चेंजिंग अपडेट भी आते हैं, हर बार गेम में कुछ चेंजिंग होती है, तो उस पर वीडियो बनाना ज़रूरी होता है। इसलिए लोग मुझे पूछ रहे थे सर डाउनलोड कैसे होगा, डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा एक वीडियो और बना देते हैं डाउनलोड के ऊपर, थोड़ा और इजी तरीके से। तो आज की वीडियो हम जानेंगे एक ही वीडियो के अंदर कि हम ट्रेन को कैसे डाउनलोड करें, मतलब गेम को कैसे डाउनलोड करें, और इसके अंदर हम जो इंडियन जो रेलवे है इसको कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये इंडियन रूट है, ये तमिलनाडु का रूट है इंडियन, और इसके अंदर इंडियन ट्रेन चल रही है। आपको भी ऐसा ही गेम आपको पसंद है खेलना तो वीडियो को पूरा देखिए, और डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं वो समझिए। तो हमें क्या है, पहले एक गेम डाउनलोड करना होता है ट्रेन सिम्युलेटर क्लासिक, जो कि आपको स्टीम वेबसाइट पर मिल जाएगा। स्टीम डाउनलोड करना होगा, आपको एप्लीकेशन आता है स्टीम का, उसको आप डाउनलोड करने के बाद आपको ये गेम वहाँ से परचेस करना होगा। परचेस करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे सीधा इस गेम जो इंडियन एडोन है इसको डाउनलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से ये एकदम रियलिटी वाला गेम है। पीसी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चलता है, और पीसी की आपकी रिक्वायरमेंट भी मैं बताऊंगा इस गेम में कितने रिक्वायरमेंट होना चाहिए पीसी का, ताकि आपका गेम लेग ना हो और अच्छा चले। तो हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोल लेना है, चाहे आपके पास ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट हो, या फिर आपके पास क्रोम हो, कोई भी ब्राउज़र हो आपको उसको खोल लेना है। यहाँ पे लिखना है आपको स्टीम, जिससे आप यहाँ पे स्टीम आओगे तो यहाँ पे स्टीम डाउनलोड आपको ये आ जाएगा, या फिर आप स्टीम पे सर्च करके करोगे तो आपको यहाँ पे वेलकम स्टीम का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप अगर आपके पास पहले से आपने कभी इंस्टॉल किया है तो आपको लॉगिन आपकी आईडी है तो आप इसको लॉगिन कर सकते हो, या फिर नहीं किया तो आप इसको डाउनलोड करने के बाद अपने आईडी जो भी है वो बना लेना है इसके अंदर। तो अभी इसके अंदर हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल स्टीम, तो हम इंस्टॉल स्टीम पे करेंगे। आपके पास पीसी है तो पीसी में करना है, एप्पल है तो एप्पल में करना है, जो भी आपके पास है उसमें ही करना है। तो आपके पास इससे ये आ जाएगा, तो यहाँ पर सेटअप आ जाएगा। तो इस सेटअप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सेटअप यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसको आ जाएंगे। ये देखिए अब ये इस तरीके से आपका इंस्टॉल होने के बाद आपका ये यहाँ पर खुल जाएगा। तो आपके यहाँ पर आईडी आप बना लेना, आईडी बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जैसे हम और जो प्रोफाइल जो आईडी बनाते हैं फेसबुक वगैरह, वैसे यहाँ पे आपको जीमेल वगैरह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बात एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो भी आप यहाँ पे जीमेल और फ़ोन नंबर और जो भी आप यूज़र नेम डाल रहे हो वो आपको हमेशा याद रहे, और आपके हमेशा जो आपकी जीमेल काम आने वाली हो। ऐसे नहीं आप जीमेल भूल जाओ तो आप जो भी गेम यहाँ पर डाउनलोड या परचेस करोगे तो जीमेल आप दोबारा अगर आप कभी इसके अंदर इंस्टॉल करोगे तो वो आईडी वगैरह इंस्टॉल नहीं होगा, तो आपका तो पैसा लगा वेस्ट ना हो। इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी जीमेल है वो आपको यहाँ पे ऐड करके रखनी है, या फिर आपको लिख के रखनी है, ताकि आपको याद रहे। आप लिख के रखोगे तो आपको याद रहेगा। यूज़र नेम भी रखना है, और इसके अंदर जो जीमेल है वो भी आपको लिखना है, मोबाइल नंबर भी आपको लिख के रखना है। तो ये सब होने के बाद में आप यहाँ पर सर्च करना ट्रेन। जैसे आप ट्रेन यहाँ पर सर्च करोगे तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ट्रेन सिम वर्ल्ड भी आता है, ये अलग है, और ये इसके नीचे आप देख सकते हो ट्रेन सिम्युलेटर क्लासिक। तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये गेम शो हो जाएगा। आप देख सकते हो इसके अंदर आप सभी आप गेम रूट वगैरह सब इसके अंदर, एक दो रूट भी आता है, गेम भी आएगा, तो ताकि आप खेल पाओगे। और अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडियन एडोन यहाँ पे कर सकते हो। अभी आपको नीचे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ट्रेन सिम्युलेटर क्लासिक 2024 डिलक्स एडिशन। तो लोग बाग मुझे पूछते हैं सर 1600 रुपये 1300 रुपये फ़र्क क्या है।
तो ये डुलक्स एडिशन, इसके अंदर कुछ एड ऑन आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा एड ऑन और रूट मिलते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप इंडिया से हो तो आपको ये 1600 वाला आपको नहीं, आपको 1300 रुपये वाला ही आपको आपको ऐड करना है, क्योंकि आपको इंडियन एड ऑन चलाना है इसके अंदर, तो आपको जो फॉरेन रूट है वो आप चला ही नहीं सकते। तो डुलक्स एडिशन के अंदर आपको कुछ फैसिलिटी मिलती है, वो रूट जो मिल जाते हैं। तो हम तो इंडिया से, तो हमें तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि हम पे इंडियन एड ऑन इंस्टॉल प्ले करना है। तो हम यहाँ पे ऐड टू करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अपना गेम है वो ऐसा कुछ आएगा। तो आप यहाँ पे क्रेट पे जाइए, सीधा क्रेट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे आपको ये गेम आ जाएगा। कंटिन्यू पेमेंट आप यहाँ पे करने के बाद, यहाँ पे कंटिन्यू पेमेंट पे आप क्लिक करना। क्लिक करने बाद यहाँ पे अब ये सबसे बड़ा मैटर है, सबसे ज़्यादा लोगों का जो कमेंट्स आता है वो ये आता है कि पेमेंट कैसे करें। तो पेमेंट करने के लिए पास आपको क्या है, यहाँ पे आपको आपके पास अगर वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, या आप क्रेडिट कार्ड भी है आपका, डोमेस्टिक होना चाहिए, डेबिट कार्ड भी डोमेस्टिक होना चाहिए। अगर आपके पास SBI का अगर डेबिट कार्ड है, तो आप कस्टमर जो बैंक का कस्टमर केयर से बात करके आप उनसे पता करा कर सकते हो आपको डोमेस्टिक कैसे बनाना है, कि उसके अंदर जो रुपये का जो आता है उसके अंदर वो इंटरनेशनल शॉपिंग के लिए आता है। आप इंडिया के बाहर भी जाके आप शॉपिंग कर सकते हो उस कार्ड से। तो आपको क्या है, उनको अनलॉक कराना होगा। अनलॉक वो बैंक में जाओगे तो आपका अनलॉक हो जाएगा, आपको अनलॉक कराना है, ये डोमेस्टिक हो जाएगा अनलॉक। तो आप कहीं भी, अब इसके अंदर ये इंटरनेशनल शॉपिंग है तो आपको इंटरनेशनल कार्ड की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। या आपके पास अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के अंदर अगर आपके पास पेटीएम है, पेटीएम यहाँ पे चल जाएगा, पेटीएम से आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो आप जो भी आपके यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको डाल देना है नेट बैंकिंग जो भी है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड क्लिक करके आपका नाम, लास्ट नाम, सिटी, और यहाँ पे बिलिंग एड्रेस, एड्रेस जो आपका है वही एड्रेस डालना है इसके अंदर, और जिप कोड आपकी सिटी का जो कोड है वो आपको डालना है, सिटी का नाम क्या है वो आपको डाल देना है यहाँ पे, और आप कौन से स्टेट में रहते हो तो वो स्टेट यहाँ पे आपको करना है, कंट्री इंडिया ही है, इंडिया करना है। फिर आपको कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने बाद आपके पास यहाँ पे सब कुछ बनने के बाद आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। जो हम पेमेंट करते हैं आपने, या तो डेबिट कार्ड करें तो डेबिट कार्ड के नंबर डालने होते हैं, अगर पेटीएम से करें तो पेटीएम के नंबर डालने होते हैं। जैसे आप नंबर डालोगे तो वहाँ पे आपको या तो डायरेक्ट स्कैनर आएगा, या फिर आपको वहाँ पे अपना पेमेंट का जो नंबर है वो डालना पड़ता है। तो वो कार्य कंटिन्यू करने के बाद आपको जो गेम है वो सक्सेसफुल होने के बाद आपको लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे आपको जो भी गेम आपने किया तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का जाए, यहाँ पे आप जो भी गेम, ये अलग गेम है, तो आप जो भी गेम है यहाँ पे आपको इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ये इंस्टॉल हो गया आपका गेम, तो आपको इसके मैनेज में जाना है, मैनेज ब्राउज़र फाइल पर जाना है। ब्राउज़र फाइल में जाने के बाद आपको इसको मिनिमाइज़ कर देना है फिर से, और आपको फिर से आपको अपने वेब ब्राउज़र पे आ जाना है। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे अब इंडियन एड ऑन, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फास्ट लाइन गेम्स करेंगे, क्योंकि मैं फास्ट लाइन गेम के एड ऑन यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे थे हैं, बढ़िया आते हैं। तो अगर आपने अगर यहाँ पे कोई पहले से यूज़ किया है कभी आईडी बने, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हो। अगर आपने नहीं किया तो आप साइनअप आपको करना होगा। साइनअप के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन नंबर, सेम बॉय मेथड है जो आपने मतलब एस्टीम के अंदर जो आईडी बनाई है सेम बॉय आईडी है। इसके अंदर भी आपको यूजर नेम पासवर्ड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड ही डालना पड़ेगा। ईमेल इसके अंदर आपको वही डालना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप एड ऑन आप परचेस करोगे तो आपको ईमेल के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपने जो परचेस किया था वो कि सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ है। तो आपके पास एक मेल आएगी, मेल के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप जो भी आपने एड ऑन बाय किया है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और आपको ये फास्ट लाइन गेम की एप्लीकेशन में जाके उसको इंस्टॉल करना है। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है। मोबाइल नंबर से क्या है कि अभी कभी आप अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो अपना मोबाइल नंबर की वजह से आप वो पासवर्ड चेंज कर पाओगे अपने मोबाइल नंबर की मदद से। अगर आप मोबाइल नंबर
ऐसा वैसा डाल दोगे, जैसे आपको कभी टेम्परेरी मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, फिर आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया तो फिर भूल जाओगे आप, वो नंबर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो आपको वही नंबर डालना है जो आप हमेशा अपने पास यूज़ रखते हो। फर्स्ट और ये यहाँ पे फर्स्ट नेम यूजर नेम सब डालने के बाद आपको ये सब चीज़ आपको एक डायरी के अंदर रख लेना है, ताकि आप कभी भूल भी जाओ तो आपको दिक्कत ना हो। आप डायरी के अंदर देख के आप अपने हिसाब से दोबारा इसको कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे आपको एग्री पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइनअप करना है। जैसे आप साइनअप करोगे तो साइनअप होने के बाद ये इस तरीके से यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, तो आपको जो आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला है वो यहाँ पे आपको फिर से डालना है। जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। शो होने के बाद में आपको अगर यहाँ पे कोई जानकारी आपको जो भी अपडेट होता है वो वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि कौन सी चीज़ अपडेट हुई है आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आपको पता चल जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका सिस्टम 32 GB है या 64 GB है। ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर रहती है कि पता नहीं रहता है, तो आपको अपने सिस्टम के अंदर जो भी आपका सिस्टम है तो आपको जाना है सिस्टम के अंदर, यहाँ पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करके फिर शो, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपका सिस्टम 32 GB है 64 GB है। तो मेरे वाला यहाँ पे देख सकते हो आप 64 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, x64 बेस्ड। या तो यहाँ पे आकर आप 32 आ रहा है तो आपको 32 ही डाउनलोड करना है। इस बात को आप मैंने आपको बता दिया आपका सिस्टम कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देख लेना है कि 64 बिट है, तो 64 बिट है तो आपको क्या करना है, ब्राउज़र पर जाना है। तो अपने जो 64 बिट है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, आपको इसको अंदर जाके और इसको कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद में आपको जो अपन गेम है एरोस का फोल्डर आपने जो खोला था यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो मेरा तो पहले से किया हुआ है इसलिए ये रिप्लेस बता रहा है, आपका रिप्लेस नहीं बताएगा। तो ये यहाँ पे अपडेट किया हुआ है, पुराना नया है, इसको आपका जब अपडेट आएगा तो यहाँ पे अपडेट दूसरा आ जाएगा, ये मैंने कल ही अपडेट किया है। तो ये सब होने के बाद, ये तो हो गया काम। होने के बाद में आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आपको जो भी चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए सब चीज़ मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो चीज़ डाउनलोड करनी होती है, सबसे पहले आपको रेल नेटवर्क को डाउनलोड करना था। ये दोनों जब तक आप डाउनलोड करोगे आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको ये दोनों डाउनलोड करना होगा। इस ये जब तक डाउनलोड नहीं करोगे तो आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं होगी। तो आप दोनों को डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे इसको परचेस करके वो दोनों को रख देना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे जो रूट है, सबसे पहले रूट रिक्वायरमेंट होता है नॉर्थन रेलवे। जब तक आप इसको बाय नहीं करोगे, जब तक इसको कोई भी रूट आप नहीं खेल पाओगे इसके अंदर, क्योंकि इस ये रूट इंस्टॉल होने के बाद में आप जो भी रूट है आप उसको इंस्टॉल करके खेल सकते हो। तो आप इसको एक बार बाय कर लेना है। उसके बाद आप लोकोमोटिव, जो भी आपके पास लोकोमोटिव आपको अच्छा लगता है, इसके अंदर जैसे यहाँ पे ये फ्री भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको फ्री मिल जाती है, ये फ़ायदा आपको फर्स्ट लाइन पे ये फ़ायदा ज़्यादा है। यहाँ पे वेब 4 लोकोमोटिव जो फ्री वर्जन भी है और इसके अंदर पेड वर्जन भी है। पहले ये पेड था लेकिन ये फ्री, अभी जो इसका अपडेट आने के बाद ये फ्री हो गया है। तो आपको ये फ्री वर्जन मिल जाएगा, तो आप एक बार यहाँ पे जितना भी जो फ्री है, फ्री से ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फ्री लोगों आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जितना भी जो फ्री जो आपको मिलते हैं पहले आप ट्राई कर लेना, उनको इंस्टॉल करके अच्छा लगे तो फिर आप बाद में परचेस कर लेना। जो भी है आपको ये दिख रहे सभी आपको जो पसंद है वो आप यहाँ से आपको देख लेना है, परचेस कर लेना है। देखिए 546 रुपये में आपको इसके अंदर आपको 2 लोकोमोटिव मिलेंगे, WDP 4D WDG 4D। मतलब एक तो जो ये होता है ये पैसेंजर वाला हो गया, पी पैसेंजर हो गया, और यह हो गया डी गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन मतलब जो मालगाड़ी होती है उसको बोलते हैं। ये दोनों आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, तो आपको दोनों एक साथ ही मिलेंगे 546 रुपये में। तो ये सब डाउनलोड होने के बाद में हमें क्या करना है कि आपने सब परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद आपके पास मेल आ गई, मेल के अंदर सक्सेसफुल सब चीज़ आ गई। तो फिर से आपको आना है आपके, एक बार ही आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे इसको कट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ये चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है,
और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, फास्ट लैन गेम एड ऑन विल्स वर्क प्रॉपरली इन द ओरिजिनल ट्रेन सुमीटर क्लासिक 64 बिट एडिशन परचेज फ्रॉम द एस्टीम स्टोर प्लीज डोंट यूज। मतलब आपको ये बता रहा है कि आपको सिर्फ जो एस्टीम से, जो एस्टीम से परचेस करोगे उसी के अंदर ये वर्क करेंगे एड ऑन, बाकी जो वर्जन है उसमें ये वर्क नहीं करेंगे। तो आप इस बात को आप देख लेना है एक बार, बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो लास्ट आप यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आपके पास होने चाहिए, अगर नेट फ्रेमवर्क आपका अपडेट है तो आपके जो एड ऑन है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है आपकी, उसको आपको ये जो आईडी आप देख रहे हो यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन की यूज़र आईडी यूज़र नेम, ये आपको इसके अंदर डालना होता है। ये कैसे डालते हैं आपको ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ आप देख के यहाँ से आप इसको, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी क्या करना है। और ये सबसे मेन चीज़ होती है वायरस प्रोटेक्शन, तो आपका गेम को जो बार बार में दिक्कत ना हो, एंटी वायरस की दिक्कत ना हो, तो आपको ये मैनेज सेटिंग में जाना है, फिर उसके बाद आपको एंड और रिमूव पे जाना है, उसके बाद आपको ऐड होने यहाँ पे फोल्डर करना है। आपको फोल्डर करने के बाद में आपको यहाँ पे रेलवर्स का फोल्डर आपको चॉइस करना है, चॉइस करने के बाद सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है। ये फिनिश हो गया है, ये सब काम होने के बाद में आपको क्या करना है, सीधा अपने गेम के फोल्डर में जाना है। यहाँ पर आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे यूजर नेम यूजर आईडी एप्लीकेशन लॉगिन की आपको ये कहाँ से मिलेगी, तो आप ये सारी चीज़ें आपको अपने आईडी से मिलेगी वेबसाइट पे। जैसे आप वेबसाइट पे आओगे तो आपको सीधा क्या करना है, आपको आना है अपनी वेब लोग, जैसे आप यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप यूजर नेम यूजर आईडी एप्लीकेशन लॉगिन की, ये तीनों आपको अपनी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको ऐड करना है। ये तीनों चीज़ों को यूजर नेम बराबर करना है, यूज़र आईडी आपको बराबर से डालनी है, और एप्लीकेशन लॉगिन दोनों यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है आपको। कॉपी पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे इस पर ये तीनों चीज़ें यूजर नेम यूजर आईडी ये दोनों डालना, फिर लॉगिन ऑनलाइन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके पास ये फ्री वाले आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एड ऑन फिल्टर में, ये सब फ्री वाले आपको सबको आप ये फ्री के अंदर है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कैटेगरी एकदम फ्री है, आप इनको सबको आप ये यूज़ करके आप देख सकते हो। रूट एक रूट आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि मीटर गेज वाला है रूट, वो एक ही फ्री है, बाकी रूट आपको परचेस करने होंगे, रूट कोई भी फ्री नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो आपको जो भी आपने परचेस किया है आपको प्रीमियम एडवांस पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको देखना है के जो गेम है मेरा कौन सा, मैंने यहाँ पे जो आपने जो परचेस किया है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। शो होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है, टिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का निशान आया यानी आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए री इंस्टॉल का आप यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो आपको इसी तरीके से ये जो है आपको सभी को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से आपको देखना है आपका सिस्टम कौन सा है, 64 है एयरबक्स है या 64 है, 64 के या रेलवर्क सही है तो सभी में आपको वर्क करेगा। जो आपका 32 बिट है उसमें सिर्फ डायरेक्ट आपको रेलवर्क ही डालना है, यहाँ पे जैसे इसको क्लिक किया ये रेलवर्क आ गया और स्टार्ट कर दिया। अगर मैं आपका 64 है तो 64, अगर आपका DX1264 है तो आपको इस पर भी क्लिक करके आप इसको खेल सकते हो, जो भी आपका सिस्टम सपोर्ट करता है उसी हिसाब से। जैसे मैंने सभी चीज़ें मैंने इंस्टॉल कर ली, उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट कर देना है और यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये आपके स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत से ऐसे भाई है जो मैसेज करते हैं कि हमने इंस्टॉल भी कर लिया है, इंडियन एड ऑन भी इंस्टॉल कर लिया, इंडियन रूट भी इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन शो नहीं होते हैं। तो आपको शो कराने के लिए आपको क्या करना है, ड्राइव पर जाना है। ड्राइव पर जाने पर क्यों ड्राइव पर आना है, यहाँ पर ये जो चीज़ें शो हो रही है ऐसे नहीं होती है, आपको यहाँ पर आपको कंसेंट बनाता होता है। कंसेंट कैसे बनाओगे आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आपको ये जो लोकोमोटिव है आपके शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कस्टम आपने करना है, कस्टम जैसे करोगे तो यहाँ पे कंसेंट का कस्टम आ जाएगा। न्यू पे करके आपको कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद में आपको जो भी आपने परचेस किया वो वहाँ पर यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक ट्रेन बनानी है, मतलब समझ गए होगे कि इंजन
आपको ऐड करना है। उसके बाद आपके पीछे जो भी आपको आपने इंस्टॉल किया है कोचेस डिब्बे जो भी इंस्टॉल किए वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जितनी आपकी लेंथ है गाड़ी की उतनी बना सकते हो, 20 डब्बे बोगी बना सकते हो, 25 डब्बों की बना सकते हो। तो आपको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो उसके पहले आपको देखना है आपका आपके पास डिब्बे है, इंजन है, डीजल वाला है या इलेक्ट्रिक वाला कौन सा आपने किया है। तो डीजल वाला क्या, तो यहाँ पे सभी डीजल वाले आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कौन सा आपने लोकोमोटिव सेलेक्ट किया है। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, ये लोड हो रहा है देखिए यह वाला। तो आपको क्या करना है, इसको एड टू बैक आता है, एड टू फ्रंट, तो आपको क्या करना है एड टू फ्रंट करना है सामने की तरफ। फिर हम जाते हैं गूगल पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी आपने ICF का किया, तो आपको ICF जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, पहले इसको क्लियर करते हैं ICF, यहाँ पे ICF आ गया। ICF के जो भी कोचेस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, देखिए सभी कोचेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे आप जितना आप यहाँ पे करोगे उतनी लंबी ट्रेन आपकी बन जाएगी। सब चीज़ होने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे यहाँ पे आप नाम अपनी जो गाड़ी का जो नाम है वो लिख लेना, ताकि आपको पता रहे कि मैंने कौन सी ट्रेन बनाई है। आपको हम यहाँ पे नाम वही शो करना है, ताकि आप कभी प्ले करो तो आपको पता रहे कि मैंने कौन सी ट्रेन बनाई है, उसका नाम क्या है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर आप यहाँ पे सेव करके देख सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, मैं इसको बनाऊँगा नहीं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये शो हो जाएंगे, जैसे मैंने ये ट्रेन बनाई है तो ये ट्रेन यहाँ पे देखिए शो हो जाएगी, ये वाली ट्रेन बनाई है तो ये वाली यहाँ पे शो हो जाएगी, देख सकते हो आप। और मैंने ये वाली ट्रेन बनाई है तो ये वाली ट्रेन भी यहाँ पे शो हो जाएगी। शो होने बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करके, अभी ये देखिए एकदम परफेक्टली गेम चलेगा। और गेम के रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास अगर कोराई 3 का, मेरे पास अभी जो है ये गेम खेलने के लिए जो PC है वो मेरे पास है कोराई 3 एड जनरेशन, और इसके अंदर मैंने 26 GB रैम लगा रखी है, 16 GB की रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप 16 GB से ज़्यादा रखोगे तो आपका गेम स्मूथ चलेगा, अच्छा चलेगा। और 16 GB के अंदर की रिक्वायरमेंट, 16 GB के अंदर ये गेम अच्छा चलता है। ज़्यादा रखोगे तो और ही अच्छी बात है। ये देखिए आप फुल HD के अंदर है, फुल आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ, ये देखिए देखिए फुल HD है, आप देख सकते हो। देखिए एकदम HD है, देखिए फुल HD में गेम चला रहा हूँ, ना लेग होता है ना और कुछ होता है, आपके सामने है, देखिए कोई लेग नहीं होता है, एकदम बढ़िया चलता है। देखिए इंजन के अंदर हम आ गए, और अभी यहाँ से हम इसको स्टार्ट करके हॉर्न लगाते हैं। ये मैंने हॉर्न अपडेट किए हैं, तो आप देख सकते हो आपके रिक्वायरमेंट किसी के रिक्वायरमेंट आपको, मेरे पास जो है वो कोराई 3 है 8 GB, और उसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो 1060 है 3 GB वाला, GTX 1060 है 3 GB, बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, आपको सस्ते में मिल जाएगा गेम। अगर आप कोई PC बनाना चाहते हो तो आप मुझे बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा, ताकि आपका पैसा भी कम लगे और आपको कम पैसे में बढ़िया चीज़ हाथ लग जाए, ताकि आपका ज़्यादा पैसा वेस्ट ना हो। तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दूंगा इस गेम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से PC कौन सा होना चाहिए आपका। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए एकदम रियल वाला गेम आप, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।